हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनुभव एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव स्क्रू। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल कैसे बना सकते हो, वो भी एक ऐप से। तो उस ऐप का नाम है अल्टीमेट थंबनेल मेकर, जिसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए उस ऐप को खोल लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट का ऑप्शन दिखा है, और क्रिएट, और आप यहाँ पे रेडीमेड का भी ऑप्शन देख सकते हो, वो मैं बाद में डिस्कस कर दूँगा। पहले क्रिएट पे आते हैं, तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी हम आ गए हैं यहाँ रेशियो चुनने के लिए कि आपको कितना पेज चाहिए, मतलब किस रेशियो का पेज चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए पेजेज हैं, मतलब बैकग्राउंड है, इंस्टा के लिए, यूट्यूब के लिए, ट्विटर, ट्विच और सभी चीज़ों के लिए। तो मैं अभी जो मेन है ना उसको बता दे रहा हूँ कि आप यूट्यूब थंबनेल कैसे बना सकते हो इस ऐप से। तो 16:9 का आपको एक रेशो दिख रहा हो साइज है यूट्यूब का थंबनेल का, तो मैं यहाँ क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे बैकग्राउंड चुन सकते हो कि किस कलर का आपको बैकग्राउंड रखना है। तो यार जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है ना उसको थोड़ा अवॉइड करना। तो यहाँ पे मैं रखे ले रहा हूँ, कोई भी आप रख सकते हो अच्छा सा, तो मैं पहले चूज़ के ले रहा हूँ। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो आप, जैसा कि देख सकते हो मैंने जो बैकग्राउंड है वो मैंने ले लिया है, और ऐसा लिया है कि जिससे जो बाकी के कलर्स हैं वो थोड़ा खिल के आएँ, मतलब जो थोड़ा उभर गए हैं, जैसे कि कोई भी बंदा देख के पढ़ पाए उसे। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल आप पता इस ऐप को यूज़ कर सकते हो गेमिंग के वो भी बनाने के लिए, गेमिंग का थंबनेल भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, और लाइव स्ट्रीम का भी थंबनेल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपको अब आपको मतलब यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट कहाँ से डालें, आपको यहाँ पे बॉटम में लेफ्ट साइड में दिख रहा हो कॉर्नर में टेक्स्ट का ऑप्शन, तो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऐड कर लीजिए जो भी आपका जैसे ज़रूरत हो। तो जैसे मुझे इसी वीडियो के लिए बनाना है तो मैं डाल दूँगा हाउ, तो जैसे ये कर लिया। तो अभी ऐड कर देना, ऐड के ऑप्शन पर दबाना। अभी मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप जब बनाना तो अच्छे से बनाना अपना बैठ के। अब जैसे मैंने फ़ॉन्ट लगा लिया है, तो फ़ॉन्ट इसमें कई सारे हैं, आप कोई सा भी फ़ॉन्ट लगा सकते हो। अब इसमें आपको कलर डालना है जैसे, तो कलर के लिए आप यहाँ पे कलर पे क्लिक कीजिए और जो भी कलर अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। और भी कलर्स हैं, आप यहाँ पे लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको और सारे कलर मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, अभी पहले ये वाला लगा था क्योंकि ये कलर थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ये सेट करके फिर आप ओपेसिटी में आइए। ओपेसिटी आपको कम करनी नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शेडो का ऑप्शन देख सकते हो, आप शेडो भी यहाँ टेक्स्ट पे डाल सकते हो जो काफ़ी अच्छा लगता है शेडो डालने पे। आपको सेट करना आना चाहिए शेडो कैसे सेट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी ऐसे ही सेट कर दिया, तो अभी आपको जैसे आउटलाइन डालनी है, आउटलाइन डालने से जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा अच्छे से लिख जाता है, मतलब अच्छे से पढ़ने में आता है। तो अभी मैं आउटलाइन डालता हूँ, जैसे आउटलाइन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप आउटलाइन की साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो अब आप यहाँ पर बात आती है कि आप इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, कोई भी जैसे आपको इमेज ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज का ऑप्शन बीच में, इमेज पे जाके आप कैमरा यूज़ कर सकते हो और गैलरी भी यूज़ कर सकते हो, गैलरी में जाके। तो अभी आ गया है, देखिए यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे सेट कर लीजिए ऐसे करके। अभी मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता रहा हूँ आपको, आप जब बनाना तो खुद ही कर लेना क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, आप ज़्यादा ही रखिए क्योंकि आपको थंबनेल जो है थोड़ा बढ़िया बनाना है। तो अब आपको जैसे कोई टैग मतलब स्टिकर लगाना है, स्टिकर आप यहाँ से लगा सकते हो, स्टिकर का भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे इन्होंने। आप यहाँ एक और चीज़ ऐड कर सकते हो जैसे कि जस्ट 1 मिनट, या और उसे ऐसा करने के लिए कि आपको ना जो व्यूअर होता है उसको ऐसे फोर्स करना होता है कि ये इस वीडियो पे क्लिक कर दे, मतलब बातों से नहीं, उसमें जो लिखा होता है उसका मन कर जाए कि हाँ मैं इस वीडियो को खोल के देखता हूँ कि क्या है कंटेंट। तो आपको तो क्लिक करने का ही व्यू आता है। तो अभी मुझे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जस्ट 1 मिनट, कुछ छोटा सा आप कर दें।
कोई पढ़ सके अच्छे से। हाँ जैसे ये, अब मैं इसको शेडो ला लेता हूँ, थोड़ी आउटलाइन दे दिया। आउटलाइन देना मत भूलिएगा, क्योंकि आउटलाइन से थोड़ा देखिए अट्रैक्टिव हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जैसे इसको ना अपनी गैलरी में जाना है, मतलब एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट कैसे करें, ठीक है, एक्सपोर्ट कैसे करें वो भी एक बात आती है। तो एक्सपोर्ट आपको क्या करना है कि ऊपर देखिए एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, उस पर आप क्लिक कर देंगे ना तो आपका ये जो है ये आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो हो गया, देखिए ये आपकी गैलरी में पहुँच गया। तो अब अगर आपको जैसे नहीं पता है कि थंबनेल सेट कैसे करें, मतलब वीडियो पे लगाएं कैसे, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कभी। तो अभी बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी जैसे आप सभी लोग जानते हो कि कोरोना, मतलब जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। तो मैं आप, मतलब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घर से बाहर मत जाइए, घर में ही रहिए, घर में ही रहना सही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, और घर में ही रहिए।